वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबादी भिंडी और गोश्त के खट्टे शेरवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं आप ये शेरवा कितना परफेक्ट बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इमली भिगा के रख देंगे ताकि ये भीग जाए। तो ये मुट्ठी भर इमली है, इसे हम भिगा के साइड में रख देंगे। अब देखिए कुकर में मैंने शेरवा बनाने के लिए 1 कप ऑयल गरम किया है। इसमें ऐड कर देंगे 3 अनियन और अच्छे से अनियन को हमने फ्राई करना है। बहुत सारे लोग अनियन टमाटे गोश्त एक साथ डाल के पकाते हैं, पर मुझे वैसा शेरवा पसंद नहीं है। मुझे भुने हुए प्याज का शेरवा पसंद आता है और ये पुराने वक्तों की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से नमक। सारे इन्ग्रीडियंट लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि शेरवा है तो ये रनीर कंसिस्टेंसी का होता है, तो मसाले अच्छे हाथ खोल कर डालें। अब अच्छे से मैंने मसालों को भून लिया है 30 सेकेंड्स के लिए और अब इसमें हम 1/2 किलो गोश्त ऐड करेंगे, हड्डी वाला। शेरवा जो है हमेशा हड्डी वाले गोश्त, बोन वाले गोश्त का बना है, इससे शेरवा जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया है ताकि इससे भुनने से शेरवा अच्छा बनता है। साथ में मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। ऑप्शनल है धनिया पाउडर, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 कप भर के पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि शेरवा है तो इसको गलाने के लिए पानी लगेगा। साथ में हम इसमें 500 ग्राम टमाटर ऐड करेंगे। लोग टमाटरों को इसी में गोश्त में मिक्स कर देते हैं, लेकिन उस तरह से कच्ची टमाटरों की बो आती है शेरवे में, तो मैं इसी तरीके से इसको सिर्फ गोश्त के ऊपर डाल के गला लेती हूँ टमाटरों को। इस टेक्निक से टमाटर गल भी जाएंगे और उनकी भो नहीं आएंगी। अब देखिए जब तक गोश्त गलता है हम भिंडी भून लेंगे। तो 2 टीस्पून ऑयल मैंने बर्तन में गरम कर लिया है। भगोने में इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम कटी हुई भिंडी और भिंडी को हमने हाई टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेना है। जो भिंडी का शेरवा होता है उसको स्टिकी, बहुत सारे लोगों को स्टिकी लगता है, तो इस तरह से जब हम भिंडी को भून कर बनाएंगे तो वो स्टिकी नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि भिंडी जो है वो थोड़ा सा पक के इसके साइड्स जो है वो गोल्डन होने लगेंगे, तो भिंडी तैयार हो जाएगी। अब भिंडी भी बन गई है, इसको हम साइड में रख देंगे स्टोव की फ्लेम बंद करके। अब देखिए प्रेशर रिलीज हो गया है कुकर का और अब हम हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको भून लेंगे टमाटरों के और प्याज के मैश होने तक। हाई फ्लेम पर ही भूनना है और देखिए इस तरह से जब ही हम भून रहे हैं तो इस तरह से ये बिल्कुल एक गाढ़ा सा मिक्सचर हो जाएगा। टमाटर और प्याज अच्छे से भुन गए हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, इतना हमको भुनना है। शेरवे को जो है वो भून भून कर बनाना चाहिए, इससे शेरवा मज़ेदार बनता है। अब हम इसमें जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी है वो ऐड करेंगे, स्टर फ्राई करके रखी है, और भिंडी डाल के बस एक 5 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पका, प्रेशर नहीं लगाना है। इस तरह से पकाने से जो भिंडी का फ्लेवर है वो शेरवे में अच्छे से आ जाएगा। अब शेरवा तैयार है, तो अब हम इसमें खट्टा डालेंगे। तो जो मैंने आपको इमली बताई थी वो अब अच्छे से भीग गई है, तो अब हम ये इमली का रस निकाल लेंगे। और इतनी देर में हमारे शेरवे का जो है वो ऑयल भी अच्छे से रिलीज हो गया है, तो इसमें हम इमली का खट्टा डालेंगे। तो ये हैदराबादी शेरवा है तो इसमें इमली का खट्टा डलता है। अगर आप खट्टा नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एसेंशियल है। अब हमने ये खट्टा डालने के बाद में थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड किया है, क्योंकि जो हैदराबादी खट्टा शेरवा होता है वो रनी कंसिस्टेंसी का ही होता है। अब इसमें 2-3 हरी मिर्ची डाल के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने पका लिया है शेरवे को। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कोथमीर। देखिए कितना परफेक्ट शेरवा बना है, ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मेरी ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और आपके दिल से दुआ निकलेगी। तो टेस्टी हैदराबादी खट्टे शेरवे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको खट्टे शेरवे की रेसिपी अच्छी लगेगी, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू अपलोड की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप डेली रेसिपीज़ में और कौन से रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।